In a latest development, NIA has refuted allegations of any malafide intentions after NIA officials were allegedly heckled by the crowd in East Midnapore in West Bengal last week while they were carrying out investigations in the Bengal 2022 blast case. NIA officials arrested two key conspirators amidst the mob attack. In an official statement, NIA has stated that the attack on their team was completely unprovoked and uncalled for, and these kind of attacks were an attempt to obstruct NIA from performing its lawful duties. NIA has clarified that its actions were lawful and legally mandated. The statements come after an FIR was filed against the NIA officials based on the complaint of a woman claiming that officials harassed her. What next in the attack on NIA officials in West Bengal remains to be seen. ये जिस तरीके से बुआ भतीजा ने एनआईए को अटैक कर रहा है, ये नया बात नहीं है। पिछले तीन साल से सीबीआई ईडी के ऊपर ये लोग हमला कर रहा है। 21 में जब अरेस्ट हुआ था कुछ लीडर लोग, तब ममता बनर्जी ने खुद निजाम पैलेस में धरना प्रदर्शन किया। राजीव कुमार का घर में जब रेड हुआ था, उन्होंने धर्मतला में धरना प्रदर्शन किया। इसका आदत ही है, जो बाद आज प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया ना धूपगुड़ी जलपाईगुड़ी में, ये भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने के लिए सेंट्रल एजेंसी को रोक रहा है, सेंट्रल एजेंसी को डरा रहा है। और एनआईए हमारी देश हित में काम करता है, देश के अंदर देश के बाहर जो ताकत देश विरोधी काम कर रहा है वो पीएफआई हो सकता है, सिमी हो सकता है, हिजबुल मुजाहिदीन हो सकता है, उसका खिलाफ सिमी हो सकता है, उसका खिलाफ काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी देश का पार्लियामेंट एनआईए को दिया है। एनआईए को अटैक करना, देश को संविधान को अटैक करना और हायर जुडिशियरी को अटैक करना, ये बात एक ही है। इसलिए एनआईए शुड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। एनआईए के ऊपर जो हमला हुआ, ये केस सीबीआई को ट्रांसफर हो जाना चाहिए। जो हमला किया सबको तुरंत अरेस्ट कर देना। Well, of course, viewers, there you heard it. Meanwhile, joining us at this point of time is my colleague Renik Dutta. Renik, an FIR was filed against the NIA officials based on a complaint lodged by a woman claiming that she was harassed. Meanwhile, now the NIA has issued a statement. They've refuted allegations of any malafide intentions. What further details can you share with us? एकदम देखिए, एनआईए का ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, ये 2022 साल का ब्लास्ट केस को लेकर, इसके लेकर ही भूपति नगर एरिया में एनआईए का सर्च ऑपरेशन चल रहा था और उसी टाइम में टीएमसी का दो लीडर को अरेस्ट किया था एनआईए। और उसके बाद ही अगले दिन ही दिखा गया कि एनआईए के अगेंस्ट में उसी एक लीडर के वाइफ की तरफ से कंप्लेंट किया गया है। जैसे कि खबर आ रहा है कि भूपति नगर पुलिस स्टेशन में मोनी जाना, जो कि टीएमसी लीडर मनोव्रत जाना जिसको अरेस्ट किया है एनआईए ये ब्लास्ट केस में, उनका वाइफ है, ये मोनी जाना की तरफ से ये एफआईआर दायर किया गया है, जिसमें सेक्शन 325, सेक्शन 354, 354 बी, 427, 448, 509 आईपीसी के ऊपर जिस कंप्लेन में, ये मोनी जाना की तरफ से डिक्लेयर किया गया है कि एनआईए के ऑफिशियल्स रात के अंधेरे में उनके घर में जब घुस रहे थे, उसी टाइम में घर का दरवाजा तोड़ के वो लोग अंदर आए और ये मोनी जाना के साथ दुर्व्यवहार भी किया था, ऐसा भी कंप्लेन पुलिस स्टेशन के मोनी जाना की तरफ से लॉन्च किया गया है। दूसरी तरफ एनआईए की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये जो घटना उनके अगेंस्ट में घटा है, इस तरीके का जो मॉब अननेसेसरी उन लोगों को हैरेस किया है, और इसको लेकर एनआईए के अगेंस्ट में जिस तरीके का एफआईआर दायर किया गया है, इसको लेकर ही आज एनआईए की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट में मूव कर सकते हैं कि ये जो एफआईआर को खारिज करने को मांग रखते हुए एनआईए की तरफ से आज कलकत्ता हाई कोर्ट में मूव करने का बात हुआ है। दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि ये इस तरीके का घटना पूरा रचा हुआ है ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से, सेंट्रल एजेंसीज को इस्तेमाल करते हुए टीएमसी का जो ये जो इलेक्शन का
कैंपेन, ये कैंपेन रोकने का काम अपोजिशन पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और सेंट्रल एजेंसी को इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी दावा किया गया है कि एनआईए के एजेंट्स में, एनआईए या सेंट्रल एजेंसी के ऊपर जिस तरीके से हमला हो रहा है बंगाल में, इसको लेकर टीएमसी का प्रोवोक में आके ही आम आदमी इस तरीके का घटना घटा रहा है, और इसको लेकर ही आज बीजेपी की तरफ से भी बार बार से दावा किया जा रहा है कि बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि एक जगह में जब इतना सारा मॉब एक सेंट्रल एजेंसी के ऊपर हमला करता है, उसके बाद पुलिस की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसको लेकर भी अपोजिशन पार्टीज की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर। अभी देख रहे हैं दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से भी एनआईए का जो एक्शन या सेंट्रल एजेंसी का जो एक्शन, ईडी, सीबीआई और एनआईए, इसका जो एक्शन चल रहा है, इसको लेकर भी आज इलेक्शन कमीशन में वो लोग मूव करेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.